हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, वो है कि प्रेगनेंसी में आपका जो पेट है, जो स्टमक है, वो कब से भरना शुरू होता है। देखो, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है ये जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। कई महिलाएं ये बात ऑब्जर्व भी करेंगी कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो लाइक उनको एक फील होती है कि कब वो अपने पेट को सहलाएंगी, कब वो थोड़ा सा बड़ा महसूस होगा, कब उसको पता चलेगा कि उसने एक छोटा सा बेबी कैरी कर रखा है। तो देखो, क्या होता है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी के लाइक फर्स्ट स्टेज में होते हो, आपका पेट इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। बेटा बाहर जाओ, बाहर खेल लो। तो आपका जो पेट है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। मेनली उसका कारण यही होता है कि जो आपका पेट होता है उसमें बच्चा जो होता है बिल्कुल एक राई के दाने जितना होता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में पेट विजिबल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी का स्टेज बढ़ता जाता है, आप अपने सेकेंड टेमेस्टर में पहुँचते हो, आप अपने थर्ड टेमेस्टर में पहुँचते हो, तो आपका जो पेट है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 बच्चे के जितना जितना आपका बच्चा है, मान लो 2 kg का है, 3 kg का है, 4 kg का है, उस अकॉर्डिंग वो पेट भर जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मंथ से। मंथ बाई मंथ मैं आपको समझाऊंगी, और जिस भी मंथ में हो वो आप ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो, और लाइक कहते हैं ना, अजम्पशन लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि आपका जो पेट है वो कितना बढ़ना चाहिए था और उसके अकॉर्डिंग बढ़ा है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले महीने की। पहला महीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक महिला के लिए कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट होता है, अगर वो कंसीव करने की सोच रही होती है तो। अगर आप पहले महीने में कंसीव करने की सोच रहे हो, क्योंकि पहला महीना जो होता है आपका कंसीव करने में ही चला जाता है, कहलाता वो प्रेगनेंसी का पहला महीना है, लेकिन उसमें एज सच कोई भी आपको सिम्टम नहीं महसूस होते, आपको कुछ इंटरनल फीलिंग नहीं होती जिससे आपको लग सके कि आप प्रेग्नेंट हो। स्टार्टिंग होती है आपके सेकेंड मंथ से। सेकेंड मंथ जब आपका स्टार्ट होता है, आपके पीरियड मिस होने के 3 से 4 दिन बाद आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाता है, जब आप टेस्ट करते हो और आपको पता चलता है यस यू आर प्रेग्नेंट। तो ऑन दैट स्टेज आपका जो पेट है वो इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ता फिलहाल। तो उसके पेट के अंदर ही जो होता है बच्चा बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो जो एग होता है फर्टाइल हो जाता है और वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग जाता है। बट इस स्टेज तक भी वो एक राई के दाने जितना छोटा होता है, और इतना छोटा होने की वजह से आपका जो पेट है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता। थर्ड मंथ में क्या होता है, आपका जो बच्चा है वो एक बीज जितना हो जाता है, जितना तरबूज का बीज होता है उतना बीज जितना हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका जो पेट है वो थर्ड मंथ तक भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता। बट कई महिलाओं को लाइक कहते हैं कि बॉय के टाइम पे आपको ज़्यादातर वॉमिटिंग रहती है, ज़्यादातर आपकी तबीयत जो है वो फीलिंग सही नहीं लगती आपको, जिसकी वजह से आपका खाने का मन नहीं करता और उसकी वजह से ही आपका जो है वजन घटता है। तो महिलाओं को क्या लगता है कि उनका पेट जो है इतना होना चाहिए लेकिन वो घट रहा है। बट थर्ड मंथ तक ये नॉर्मल है, अगर आपका वजन घट भी रहा है तो बच्चे तक वो पोषण नहीं पहुँचता होता है, तो आपका वजन बढ़े या ना घटे एक बराबर है, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सिर्फ थर्ड मंथ तक। अब मैं स्टार्टिंग करने जा रही हूँ फोर्थ मंथ की। फोर्थ मंथ जो होता है बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, क्योंकि फोर्थ मंथ से आपको जो स्टमक है वो विजिबल होने लग जाता है। आपका स्टमक आपको 1 इंच बाहर तक नज़र आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन 1 इंच तो आपका मिनिमम होता है, 1 इंच तक आपको बाहर स्टमक नज़र आएगा। बट इस स्टेज तक बहुत सारे लोग जो हेल्थी लेडीज होंगी उसको मे बी ना बता सके, लेकिन जो आप अगर आप कमज़ोर में आते हो, आप वीक में आते हो, तो आपको कोई भी देख के इजिली बता पाएगा कि यस यू आर प्रेग्नेंट, बिकॉज जो कमज़ोर औरतें होती हैं उनका पेट जल्दी विजिबल होता है जो फैटी लेडीज होती हैं उससे। मेरे स्टेज में क्या था, मैं थोड़ी सी हेल्थी हूँ तो मेरा जो पेट है वो 5th मंथ के एंड तक नज़र आने स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 4th मंथ तक जो मेरा फैट था उसमें ही वो पेट जो है कवर हो रहा था, कवर कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे कोई भी देख के नहीं बताता था 4 मंथ तक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 5th मंथ जो आपका स्टार्ट होता है वो, उसमें तो आप चाहे पतले हो चाहे मोटे हो, आपको देख के कोई भी बता देगा कि आप प्रेग्नेंट हो। वो इसलिए क्योंकि 5th मंथ में जो आपका लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे की जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो बन जाते हैं और बच्चा इतना हो जाता है, एक एप्पल जितना हो जाता है, जिसको लाइक स्टोर होने के लिए स्पेस चाहिए। स्पेस चाहिए होगी डेफिनेटली आपका जो पेट है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इस चक्कर में आपका जो स्टमक है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ नज़र आता है। 6th मंथ में क्या होता है, बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो ग्रोथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से पेट और थोड़ा बढ़ जाता है और धीरे धीरे करके वो एप्पल से नाशपाती का रूप ले लेता है, क्योंकि एप्पल अकॉर्डिंगली छोटा होता है, नाशपाती बड़ी होती है, तो वो नाशपाती का रूप ले लेता है। 7th की बात करूँ, 7th मंथ की, 7th मंथ में आपका जो पेट है
वो लाइक इतना विजिबल होता है जो आपका पेट 6 to 7 inches आगे की तरफ होगा। अगर आप फैटी होंगे डेफिनेटली वो थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन विजिबल होगा। आप 5 to 7 की एवरेज लेके चलो, 5 to 7 inches आपका पेट जो है आगे की तरफ बढ़ता है। 8th month में आपका पेट, अगर मैं एक अजम्पशन के तौर पे बताऊँ, आपने लेमन देखा होगा जिसको खरबूजा भी कहते हैं, मस्क मेलन भी कहते हैं, तो वो आपका जो पेट है वो एक मस्क मेलन जितना होता है, खरबूजे जितना होता है, और उस अकॉर्डिंग आपका पेट जो है आगे की तरफ ग्रोथ पकड़ता है। बच्ची की जो असली ग्रोथ है, जो असली वेट है, आपके पास टाइम यही होता है कि 7th, 8th और 9th 3 महीने में आप बच्चे की ग्रोथ जो है पकड़ ले, बच्चे की ग्रोथ जो है खींच ले, क्योंकि अगर बच्चा आपका कमजोर पैदा होगा डेफिनेटली उसको आगे चल के बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। उसको मे भी हो सकता है कि वो अगर लाइक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है तो उसको पहले नीकू में भी रखना पड़ेगा, जो कि बच्चों का आईसीयू भी कहा जाता है, न्यू बॉर्न आईसीयू नीकू। तो आपको जो है 7th, 8th, 9th month में अपनी ग्रोथ अच्छी कर लेनी है। 8th month तक आपका जो बच्चा है मस्क मेलन होता है, 9th month में आते जाते वो वाटर मेलन जितना हो जाता है। वाटर मेलन इट मीन्स, अगर मैं पेट की बात बताऊँ, अगर आप 2.5 से 3 किलो का वाटर मेलन लेकर चलते हो, जितना आपका पेट वाटर मेलन की शेप होगी उतना ही ज़्यादा आपका पेट बड़ा होगा। वैसे तो पेट जो होते हैं वो आकार भी बता देते हैं कि आपने बॉय कैरी किया है कि गर्ल कैरी किया है, बट जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो का वो यही है कि आपको पेट लाइक कहते हैं ना कई महिलाएं कि हमारा पेट विजिबल नहीं हो रहा, तो आपको इतना ही बताना चाहूँगी अगर आप थोड़े फैटी हैं, आप थोड़े से हेल्थी हैं, तो आपका जो पेट है वो आपको 5th month के एंड तक विजिबल होगा। वहीं अगर आप कमज़ोर हैं, वीक है, तो आपको हो सकता है कि 3rd month तक, अगर आपकी तबीयत एकदम ठीक रह रही है, तो 3rd month तक के एंड तक आपको जो पेट है आपको विजिबल होगा, जो कि 5 inches तक होगा। तो चलो ये वीडियो यही खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो भी आपके डाउट थे इस वीडियो में स्टमक से रिलेटेड और वेट गेन से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।